उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार भूस्खलन ने धारचूला में काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं तहसील के तल्ला दारमा के सोबला क्षेत्र में बादल फटने से झिमिर गांव का भेटी नाला सहित धौली गंगा नदी उफान पर आ चुकी है। साथ ही बादल फटने से पानी के तीव्र वेग से तवाघाट दारमा मार्ग पर पड़ने वाला भेटी नाले पर बना बीआरओ का वैली मोटर पुल बह गया है। इसी के साथ दारमा का संपर्क भंग हो चुका है। आपको बता दें कि सोबला मार्ग में भेटी नाले पर बीआरओ का वैली मोटर पुल बह गया है। यही मार्ग सोबला से चीन सीमा से लगे दारमा घाटी को जोड़ता है। पुल बहने से दारमा मार्ग के 2 से 3 सप्ताह तक बंद रहने की संभावना है। वहीं बादल फटने से घाटी में धौली गंगा नदी सहित सभी नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।